वेलकम टू डिस्कवर टैलेंट फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट विनोद आज आपके लिए लेके आया हूँ हाउ टू क्रिएट ए कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, कुछ न्यू रूल सेट करेंगे अपन। ठीक है, एक कुछ डेटा है। ठीक है, डेटा है मेरे पास, अगर मैं 70% कुछ कर रहा हूँ कैलकुलेशन में आएगा। ठीक है, एक कुछ बार चार्ट में, एंड देन 60% कर रहा हूँ तो 40% इज पेंडिंग। ठीक है, सो मैंने कैसे क्रिएट किया, हाउ इज़ द प्रोसीजर। ठीक है, स्टेप वाइज मैं बताऊंगा, सो बने रहिए और एंड तक लेके वीडियो देखिए। ठीक है, ताकि आप कुछ मिस ना करें। सो मैं डेटा यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ पहले, ये जो मेरा शीट है, ताकि मुझे वापस से फाइल बनाना ना पड़े इसलिए। ठीक है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा जूम करता हूँ एंड थोड़ा सी एडिटिंग कर देता हूँ ताकि आप इजी वे में देख पाओ। ठीक है, एडिट ऐड कर दिया मैंने और ये कुछ फाइल है। मुझे यहाँ पे एक्चुअली ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐड करनी है, तो मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट यहीं से कॉपी करूँगा क्योंकि मेरे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये क्लियर कर देता हूँ, सिलेक्ट करके इंसर्ट में डेटा में गया मैं। सो मैं यहाँ पे एक्चुअली जस्ट एक लिस्ट ऐड कर रहा हूँ ताकि मैं रेफरेंस ले सकूँ और इजी वे में। एक्चुअली मैंने फाइल न्यू ले लिया, राइट। सो यहाँ पे कुछ इस तरह दिखेगा ये। ठीक है, ये पेंडिंग रेशियो है। अब मुझे कैलकुलेशन इस पे देखना है, तो डायरेक्टली तो होगा नहीं। ठीक है, उसके लिए आपको कैलकुलेशन एक फील्ड ऐड करनी होगी ताकि वो गेज करे जो अपना कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो। तो वो कैसे करेंगे, एक कैलकुलेशन टैब ऐड कर रहा हूँ, इज इक्वल टू साइन प्रेस करना है आपको, 1 माइनस एंड देन दिस इज द कॉलम। सो मैं कॉलम डी में D2 के अंदर 1 प्रेस किया, माइनस देन C2। ठीक है, सो जो कुछ वैल्यू हो मुझे यहाँ पे पुट करें। ठीक है, सो अगर आप देखो तो मैं अगर चेंज कर रहा हूँ 90% तो 10% कुछ कंप्लीशन इज पेंडिंग काइंड ऑफ ऐसा कुछ दिखा रहा है अपने को, राइट। सो ये वे में मैं कुछ डेटा खाली पुट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, ताकि इजी एक्सेस हो मुझे भी और आपको भी समझाने के लिए कि एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स। ठीक है, सो बने रहिए मेरे साथ। ये कुछ सिलेक्ट, ठीक है, मैं टेबल फॉर्मेटिंग इक्वल वे में कर रहा हूँ। आप सेम इसको भी कर सकते हो, कंप्लीटेड इनकम्प्लीट डिले, लेकिन मैं आपको स्टेप वाइज पहले बताऊंगा पेंडिंग रेशियो के बारे में। देन आप एक बार आप ये सीख जाओ, ठीक है, तो देन ऑटोमेटिकली आप ये भी कर पाओगे। ठीक है, सो अभी मैंने जो फॉर्मूला ऐड किया था वही टेबल पे मुझे सिलेक्ट करना है पूरा कॉलम, देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे न्यू रूल सेट करना है। ठीक है, यहाँ पे न्यू रूल मैंने सेट करा 3 कलर स्केल। ठीक है, मुझे 3 कलर स्केल में चाहिए। अब ये वैल्यूज कुछ मुझे परसेंटेज में दिख रही है, राइट। अगर आप देखोगे यहाँ पे मिनिमम, मिड पॉइंट, देन मैक्सिमम, मुझे दिखाना है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, अगर सपोज इट्स 100%, ठीक है, और मे बी मैं 0 वे में भी कर सकता हूँ, मेरे ऊपर है हाउ आई एम सपोज टू पुट इट। ठीक है, बट मुझे अगर करना है कि 100% में जो कुछ वैल्यू है वो 100% में दिखे एज एन मैक्सिमम में, एंड देन मिड पॉइंट में जो 50% हो वो, ठीक है, एंड द लोएस्ट परसेंटेज में 0 से शुरू हो। तो मेरे पास 0 नहीं है, तो मैं 0 के बदले 10 ऐड कर दूंगा। ठीक है, एंड देन ओके पे क्लिक। ठीक है, दिस इज द स्पेसिफिक कलर स्केल दोस्तों। ठीक है, ये कुछ ऐसे दिखेगा सिंपल। ये कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऐड हो गई। अब इसमें जो ग्रीन में है वो ग्रीन में दिखेगा, ठीक है, जो येलो में है इट्स इन मिड वे। ठीक है, ठीक है, आप फिलहाल के लिए इसको इग्नोर कर दो, मैं इसको हाइड करता हूँ। ठीक है, देन रेड में है ये कुछ कैलकुलेशन, मतलब 80% तक का काम इसका पेंडिंग है। ठीक है, दिस इज द पेंडिंग रेशियो एंड ओवरऑल कंप्लीशन 20% ओनली। ठीक है, कंप्लीशन काइंड ऑफ आई कैन से। ठीक है, सो अब मैं सपोज इसका 30% काम पेंडिंग है कुछ, तो मतलब 70% काम इसका ऑलमोस्ट डन है।
ठीक है, ये आपकी चार्ट्स में, बार चार्ट्स वगैरह जब आप क्रिएट करते हो ना, वो टाइम पे आपको ये यूज़ होगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये करने के बाद मुझे कुछ, ये न्यूमेरिक वे में है राइट, तो मुझे कुछ ना बार चार्ट वे में आना चाहिए राइट, ताकि मैं इजी वे में विजुअलाइज कर सकूँ उसको। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो एक कंप्लीशन को सिलेक्ट करूँगा राइट, देन जो कुछ वैल्यू है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने, देन मैं होम के अंदर ही, ठीक है, होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे जाके आइकॉन सेट्स, सॉरी डेटा बार्स, यहाँ पे मैं डेटा बार सिलेक्ट करूँगा, जो डेटा बार्स है मेरा वो। अब मैं यहाँ से कुछ करूँगा तो मेरा कुछ डेटा इस तरह से प्ले होते रहेगा, सिंपल है दोस्तों, इस तरह से कुछ डेटा मेरा प्ले करेगा, ऑलमोस्ट डन। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, इसमें बहुत सारे मेथड्स है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप जाओ, यहाँ पे न्यू रूल में, यहाँ पे अगर आप रीड करोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली खुद से समझ में आ जाएगा कि अच्छा दिस इज फॉर दिस थिंग एंड दिस इज फॉर दैट थिंग। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं देखता हूँ बिटवीन, अब मैं बोल रहा हूँ कि बिटवीन, सपोज अब मुझे यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग देनी है राइट, इसको मैं अनहाइड कर देता हूँ एक कॉलम को, इसको मुझे फॉर्मेटिंग देनी है, मैं न्यू रूल सेट करता हूँ, न्यू रूल, ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यूज, अगर कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज हो तो मुझे पुट करे और मुझे दिखा दे, ऑलमोस्ट डुप्लीकेट वैल्यूज है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरे पास, अगर मैं सपोज यहाँ पे हटा के कंप्लीटली यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, दिस इज नॉट डुप्लीकेट, नो दिस इज द ओनली सिंगल थिंग राइट। सो इस तरह से आप खेल सकते हो उसके अंदर एक्चुअली, और ये बहुत ही यूजफुल तरीका है मैं बोलूँगा। ठीक है, अगेन मैं न्यू रूल और एक आपको दिखाता हूँ, कुछ कंटेंट्स बिटवीन टेक्स्ट, दिस इज फॉर ऑन अ डिजिट, ठीक है, डिजिट के लिए है तो मैं ये नहीं दिखाऊंगा आपको, डुप्लीकेट हो गया, यूनिक वैल्यू, यूनिक वैल्यू अगर कुछ है मेरे को तो यूनिक वैल्यू कलर में हाईलाइट करो। अब सब डुप्लीकेट है तो मेरे पास यूनिक कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पे करूँगा काम, पेस्ट यहाँ पे कर दूंगा, दिस इज दी यूनिक वैल्यू फॉर मी। ठीक है, वन मोर थिंग, मेरे पास और एक चीज़ है, ठीक है, डेट के लिए स्पेसिफिकली, अगर आप देखो कि मैं एक टैब प्रेस कर रहा था, वो टाइम पे आपने देखा होगा, ठीक है, अब ये कुछ वीडियो मैं बना रहा हूँ इस डेट पे, ठीक है, 23rd में वीडियो मैंने कुछ रिकॉर्ड करी है। ठीक है, अब मुझे इसमें चेक करना है, मैं पूरा टेबल सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, 21 तक का मेरे पास रेशियो है, वैल्यूज़ है, ठीक है, सेम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैं यूज़ कर रहा हूँ, कंडीशनल फॉर्मेट में गया, न्यू रूल, यहाँ पे आप वैल्यूज बिटवीन में भी कर सकते हो, अभी यहाँ पे खेल सकते हो राइट, 25th से लेके आपको डेट में कुछ करना है, लेकिन मुझे आपको जो शो करना है वो दैट इज इन रियली इम्पोर्टेंट। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहीं पे कहीं पे था, ये वैल्यूज कुछ डेट अकरिंग के अंदर, ठीक है, सो लास्ट वीक है, अगर मेरे पास लास्ट वीक का डेटा रहेगा यहाँ पे तो लास्ट वीक शो करेगा, मेरे पास लास्ट वीक का डेटा नहीं है। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे क्या करना है, सेकेंड टैब में जाना है, न्यू फॉर्मेटिंग में आ गया मैं, न्यू फॉर्मेटिंग रूल, यहाँ पे सेकेंड टैब, यहाँ पे आया फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेंट्स डेट अकरिंग में वैल्यू सिलेक्ट कर रहा हूँ, येस्टरडे या फिर टुमारो, व्हाट वुड बी द डेट, ठीक है, मुझे कल के लिए क्या डेट रहेगी वो मुझे सिलेक्ट करके बता दो, ओके पे क्लिक कर रहा हूँ, सो टुमारो वुड बी दिस थिंग, जिसे मैंने आपको बताया दिस इज माई रिकॉर्डिंग डेट, ये मेरा रिकॉर्डिंग डेट है इसका, एंड दिस इज दी टुमारो डेट। ठीक है, सो ये ऑटोमेटिकली, एक बार आप फॉर्मेटिंग ऐड कर दोगे या फिर रूल सेट कर दोगे किसी वैल्यूज के लिए, सो ऑटोमेटिकली डेटा गेज कर लेगा। अगेन मैं आपको दिखाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर ही, न्यू रूल, यहाँ पे सेकेंड टैब,
बारिश दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी हो रही है, तो मैं एक्चुअली मे बी आपको वॉइस मेरी ज़्यादा क्लियर नहीं आती होगी, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। फॉर्मेट ओनली सेल्स के अंदर, ठीक है। अगेन डेट अकरेंस एंड देन दिस वीक, ये दिस वीक के अंदर। सो वट एवर वैल्यू वुड बी एडेड फॉर दिस वीक, ठीक है, कुछ भी वीक के लिए डेटा वैल्यूज एड हो वो मुझे यहाँ पे शो करें। तो मैं ये कुछ वीक के लिए है, 29th अगस्त। बाय द वे 29th इज माई बर्थडे, सो होप आई विल गेट दी यू नो नाइस रिस्पॉन्स फ्रॉम यू गाइज, ठीक है। लेट्स सी, होप यू लाइक दिस वीडियो गाइज। इतना ही था इस वीडियो में, और मैं आपको और खुद से इंकरेज करूँगा, ठीक है। आप इन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाए, न्यू रूल में, दिस इज़ अ रियली हेल्पफुल टूल, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, आप ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं उसके अंदर। फिलहाल के लिए मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ, लेकिन मैं आगे और भी वीडियोस लेके आऊँगा, ठीक है। आई वुड रिक्वायर योर सपोर्ट दोस्तों, ठीक है। जैसे आपने प्यार आपकी मोहब्बत जैसी मिली है 400 सब्सक्राइबर्स तक, उम्मीद है मुझे और भी सब्सक्राइबर्स मिले, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग।